अरे लाइव तो आ गई मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाइव शुरू हो गया। अब देखो आ रही है। एक सेकेंड। तो गुरु जी वहां पे संगत जी गुरु पूर्णिमा, गुरु जी के जन्मदिन पे, महासमाधि दिवस पे वहां पे लंगर प्रसाद मिलता था, और वैसे चाय प्रसाद और हमें जल प्रसाद मिलता था। मैं अंदर नहीं बैठ सकती थी, नीचे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां के जो सुदामा अंकल और जो दूसरे सेवादार थे, वो हमें सीढ़ियों की तरफ बैक साइड पे ले कहते थे, आप वहां सीढ़ी पे चले जाओ। मैं वहां बैठ जाती थी और वहां से गुरुजी का दरबार पूरा अंदर से दिखता था। गुरुजी की वहीं से हमें ब्लेसिंग्स मिलती थी। गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा है हमारे पे कि जितना हम शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। उसके बाद 2016 में मेरे ब्रदर का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 2015 में उसकी डेथ हुई थी। 2016 में जैसे हमने बरसी करी तो मैं आई दिल्ली, और बरसी वाले दिन ही एक दिन पहले मैंने अंशमा आंटी को बोला कि हम ना बड़े मंदिर चलेंगे, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो वो कहते ठीक है, अगर सब चले जाते हैं तो हम चल पड़ेंगे। मैंने अपने अंकल को बोला तो वो कहते कहाँ जाओगी तुम, मेट्रो में। मैंने कहा नहीं, अब मुझे रोकना नहीं, ये गुरुजी का उस दिन बुलावा था मुझे। शायद हम गए, हमें मेट्रो पे गाड़ी से छोड़ दिया इन्होंने, हम आराम से गए मेट्रो पे। और वहां पे हमें नहीं पता हम कैसे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, कितनी फटाफट हमें मेट्रो मिली। अभी हम मेट्रो स्टेशन पे ऊपर ही थे, स्टेयर्स पे जा रहे थे, तो एक अंकल आए और हमें कहते हैं गुरुजी मंदिर जाना है आपको। हमने कहा हाँ। वो ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने हमने कहा कितने पैसे लोगे अंकल आप, तो कहते कि इतने इतने दे देना। हमने कहा ठीक है। मैं और मेरी अंशमा आंटी हम बड़े मंदिर गए, उन्हें वहां ले गए। मंडे का दिन था और मैं तो इतनी मंदिर जा गई, मुझे लगा कि मैं कहाँ स्वर्ग में आ गई। पहले बारी जब आप जाते हो तो आपको नहीं लगता कि आप कहाँ पहुंच गए, समझ नहीं आता। अब मैं तो मन ही ना करे वहां से आने को। हमने वहां पे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद हमें मिला, हमने खाया। उसके बाद हम बाहर बैठे थे तो इतनी देर में अंशमा आंटी की एक फ्रेंड आशु आंटी आई अपने हस्बैंड के साथ, अपने अंकल के साथ। वो कहती है कि इशारे से कि चलोगे वापस, तो अंशमा आंटी कहती चले, वो मेरे को दीदी कहती है अंशमा आंटी, तो कहती चले। तो मैंने कहा हाँ। गुरु जी ने जो पहला सफर बड़े मंदिर का था वो इतना आसान बना दिया कि कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी हम गुरु जी के, मैं बड़े मंदिर हो आऊंगी, गुरु जी की ब्लेसिंग ले लूंगी। गुरु जी ने हर राह पे मेरे को, ठीक है मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, मेरी नेचर है, पर गुरु जी मेरे को हिम्मत देते हैं हर चीज में। और अब तो शायद मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया है क्योंकि गुरु जी मेरे साथ है हर वक्त। लोग कहते हैं कि हमें गुरु जी दिखते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम टेलीपैथी करते हैं, पर मैं कहती हूँ इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी तो आपके अंदर ही बैठे हैं, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, गुरु जी आपके साथ है हर वक्त। और गुरु जी से हमने, मैंने सबसे बड़ी चीज क्या देखी, शुक्राना करना, सबसे बड़ी चीज। और कुछ वेस्ट नहीं करना, पहले क्या था कुछ बच गया चलो फेंक दो, अब नहीं। अब क्या होता है, जो बचा फ्रिज में रख दो, नेक्स्ट डे खा लेंगे, कोई बात नहीं। वेस्ट नहीं करना कभी भी गुरु जी का। वो सोचो हम लंगर प्रसाद ही खा रहे हैं गुरु जी का, गुरु जी बहुत कृपा करते हैं हमारे पे सब पे, और वो ऐसे ही करते भी रहेंगे। अभी तक आप देखो ना, 2016 2017 में
मैंने एक सत्संग सुना, ठीक है, सुनती थी मैं व्हाट्स इस पे यूट्यूब पे शब्द सुनती थी, बहुत शब्द लगाती थी मैं घर में, बहुत पंजाब में 2000 ऐसे ही जैसे सब मिलते गए मुझे संगत बढ़ती गई। 2018 में मैं दिल्ली आई, मैं नोएडा रही, अपने एक फ्रेंड है उनके घर रहे हम, और उसके बाद मैं अपने घर दिल्ली न्यू राजेंद्रनगर गई, वहां गुरु जी का बर्थडे का सत्संग था। वो मुझे कहते हैं, मेरी भाभी कहती है, अंशमा आंटी कहती है, यहाँ पे दीदी उर्जे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलोगे? मैंने कहा ये पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगी। कहती मैं थोड़ा लेट आऊंगी, तो मैंने कहा तुम लेट आओ, मैं तो तैयार हुई और मैं पहुंच गई वहां, ठीक है। वो अपना एरिया था, सब जानते थे, कोई ऐसी, और वैसे भी हमें किसी को मिलना नहीं था, हमें सिर्फ गुरु जी के पास जाना था। वहां गए, बहुत अच्छे से उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत इतनी संगत थी, इतनी संगत थी कुछ कहने की हाथ नहीं, बैठने की जगह नहीं थी, बाहर टेंट लगे हुए थे, सब कुछ। जब केक कट गया, उसके बाद गुरुजी का लंगर प्रसाद शुरू हुआ बंटना, तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, ईना आंटी, वो मेरी अंशमा आंटी की फ्रेंड है, वो कहती है, वो खड़ी हुई कि मैं लंगर ले लेती हूँ, मेरे को घर जल्दी जाना है। तो एक अंकल जो लंगर दे रहे थे, उन्होंने कहा ये लंगर आपके लिए नहीं है, ये इन आंटी के लिए लंगर है। आप मानोगे संगत जी, मैंने वो लंगर लिया, उसमें दो परौंठी थी और बाकी संगत को पूड़ियां मिल रही थी। ये गुरु जी ने मुझे उस दिन ब्लेसिंग्स दी अपनी। फिर उसके बाद मैंने, मेरे साथ एक और आंटी बैठी थी, वो कहती है सेवादार जी को कि मुझे भी परौंठी दे दो, मेरे को पूड़ी नहीं खानी। सेवादार जी कहते नहीं आज तो पूड़ियां ही है। तो आई वॉज सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने मुझे उस दिन अपनी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद हमने सोचा कि हम शिफ्ट हो जाते हैं नोएडा, वहां से आना तो है ही 1-2 साल में रिटायर होके, तो अभी आ जाते हैं कि ठीक है, अब बहुत रह लिया वहां भी और थोड़ा बड़ी सिटी में भी आ जाते हैं हम लोग। तो कहते मेरे हस्बैंड मना भी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। हम आ गए, नोएडा शिफ्ट हो गए, कितनी बारी हमने पैकिंग करी, कैंसिल करा, पैकिंग करी, कैंसिल करा, फिर एट लास्ट हम आ गए नोएडा। नोएडा आए तो हम नोएडा में जिस सोसाइटी में रहते, वहीं हमारे एक फ्रेंड रहते थे, उनके घर रहे, और उसमें मैंने ग्रुप में डाला एनी गुरुजी संगत इन दिस सोसाइटी, तो मेरे को 3-4 मैसेज आ गए, उनको मैं मिली। फिर उसके बाद अगस्त, हम अगस्त में आए, और अगस्त में ही शायद इको सिटी में सत्संग था क्लब हाउस में, मैं वो ग्रुप में आया, मैं चली गई वहां पे सत्संग में, वहां मुझे मिली अलका आंटी। फिर अलका आंटी के साथ ऐसे जुड़ते गए कि अलका आंटी जोन से भी सत्संग पे जाती है ना, हमें लेके जाती थी, पूछना कि चले आंटी, तो मैंने कहा हाँ जी। और जिस दिन सत्संग होता है ना गुरु जी का, उस दिन तो ऐसे हो जाता है कि बस सुबह से एक अंदर से एक्साइटमेंट होती है कि गुरु जी के जा रहे हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं, जबकि वो ब्लेस हमें घर में भी करते हैं, पर नहीं, जो मतलब एक अंदर से एक्साइटमेंट होती थी, हाय गुरु जी के जा रहे हैं। सुबह से ही मुझे होता था सारा काम कर लो, मैं ट्यूशंस लेती हूँ, मैं ट्यूशंस भी ऑफ कर देती थी कि मुझे आज गुरु जी के जाना है, या मैं टाइम सेट कर लेती हूँ कि नहीं गुरु जी के जाना है, तो कोई उसके लिए कोई मुझे ना रुकेगा, मेरे को जाना है तो जाना है। यहाँ आए नोएडा, हमारे साथ बहुत अप एंड डाउन आए, बहुत ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, वो होता है लाइफ में, डरना नहीं चाहिए, और गुरु जी ने इतनी शक्ति दी है कि फेस करो। गुरु जी कहते हैं हम आपके कर्मास तो काटेंगे ना, आपको तो काटने हैं जितने परसेंट भी हैं, अब हमें नहीं पता हमारे कौन से जन्म के कर्मास हैं जो हम काट रहे हैं। फिर वो कहते हैं, फिर मैंने यहाँ पे बहुत अप एंड डाउन देखे, पर गुरु जी ने इतनी मेरे पे कृपा रखी, मुझे यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं आने दी है। और उससे पहले जब मैं यहाँ आई, तो एक मीनू आंटी मेरे साथ बनी सत्संग में जाने के लिए, अलका आंटी, मीनू आंटी, हम सब इकट्ठे जाते हैं। तो मीनू आंटी के साथ मैंने थोड़ी वॉक करनी शुरू कर ली, मैंने कहा चलो आ जाओ वॉक चलते हैं, वो थोड़ी सी कर लेती थी, केयरलेस हो जाती थी, नहीं चलते, पर मैं बुला लेती हूँ। हमें मिले एक जसप्रीत अंकल 2018 में, 18 नहीं 19 में, 19 मार्च से उन्होंने, हम वो ऐसी बात हुई, मैंने कहा बड़े मंदिर जाते हो अंकल? कहते हाँ हम तो हर मंडे जाते हैं। मैंने कहा अच्छा कभी हमें भी ले जाना, जैसे मैंने कहा, तो अंकल कहते हैं चल पड़ा करो, हम तो हर मंडे जाते हैं, हमारी गाड़ी में तो पीछे सीट खाली होती है।
तो वो अंकल का भी बहुत शुक्राना है, वो 1 साल विदाउट एनी गैप वो हमें बड़े मंदिर लेके जाते रहे हैं अंकल। मतलब हम उनको सैटरडे, मैं तो फ्राइडे से ही पूछ लेती थी ले जाओगे, मतलब मुझे इतना अंदर से वो रहता था। फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा, गुरुजी कितनी कृपा रही, कोई काम नहीं था कुछ नहीं था, फिर भी गुरुजी ने ना हमें हर जगह ब्लेस किया, कमी नहीं आने दी है। उनको पता है आज इसको जरूरत है तो वो कर देते हैं मेरा कहीं ना कहीं से रही में। उनको पता है इसका पर्स में अब खत्म हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे कोई ना कोई अरेंजमेंट कर ही देंगे। हर तरीके से शुक्राना करती जाओ, करते जाते हैं हम, गुरुजी अपने आप हमें ब्लेस करते जाते हैं। मेरा बेटा 10 साल से हमारे साथ, हमारे से दूर था। पहले उसने अपना 11th 12th करी चंडीगढ़ में, फिर उसने बीटेक की अमृतसर से, देन ही वेंट टू बैंगलोर इन एक्सेंचर फॉर 2 ईयर्स, देन ही सेड मेरे को एमबीए करनी है। एमबीए करनी है तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि एमबीए की फीस 18-20 लाख देना इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट। अब मैं, वो कहता है मुझे लोन ले दो, मेरे अंकल कहते कि नहीं तुम ऐसे फालतू चक्रों में नहीं पड़ो, इसने कुछ नहीं करना होना, रहने दो तुम, नहीं करनी है, मैं लोन लेके देता। हमारे घर में मतलब रोज इस बात पे एक कह लो कि इशू डेली एक मतलब इस बारे में हो जाता था। अब मैंने फिर हम बैंक जाते, नहीं हो पा रहा था, वो कहते कुछ रखो ये सब। मैं लास्ट डे मैंने अपने अंकल को कहा चलो आज चलते हैं, अगर आज नहीं होगा तो मैं अपने बेटे को अभिमन्यु को मना कर दूंगी कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते अभी। वो कहता कि ठीक है। मैं घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरा काम कराओ, आप क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। तो गुरुजी मेरे साथ गए, और जैसे ही हम एंटर हुए बैंक में, वहां पे हमने बात की तो कहते क्यों नहीं मिलेगा लोन। तो ये गुरुजी का ही शुक्राना है जिन्होंने हमें आराम से लोन दिला दिया। और आज मेरे बेटे ने एमबीए कर ली गुरुजी की कृपा। गुरुजी हमें 18 में ले आए, 19 में मेरे बेटे की जॉब, शायद ये गुरुजी की ही मर्जी थी कि हम यहाँ पे आए, उन्हीं की मर्जी के साथ ही हम यहाँ पे आए, और उन्हीं की मर्जी से ही मेरे बेटे की जॉब भी नोएडा में ही लगी, और वो आज हमारे साथ 10 सालों बाद हमारे साथ रह रहे हैं हमारे पास। ये भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है, नहीं तो हम तो मतलब भूल ही गए थे कि वो हमारे साथ कभी रहेगा, जॉब करेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और इस कोविड के टाइम पे वो आज हमारे साथ है, ये तो बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है। ये तो जैसे मेरी नेचर है टेंशन की, तो वो तो फिर मैं हर वक्त ही टेंशन ही लेती रहती हूँ। छवि आंटी मिली, छवि आंटी ने हमें बहुत घर में अपने सत्संग करती हैं हर महीने, मंथली सत्संग, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। वो हमें बुलाती हैं, हमें कहती हैं आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे। पिछले जुलाई में गुरुजी के बर्थडे पे अलका आंटी ने कहा चलो छवि आंटी के घर सत्संग करते बर्थडे का। मैंने कहा नहीं अलका आंटी, मैं घर में ही करूंगी, पता नहीं क्यों कहा, मेरे को नहीं पता, गुरुजी ने करवाया होगा, मैंने घर में करा। ठीक है, अगस्त से लेके अभी मार्च तक मैं छवि आंटी के घर रेगुलर सत्संग पे जाती हूँ। अभी लास्ट मंथ नहीं गई हूँ, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे एंड मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो नहीं गई। पर मैं मतलब आई वॉज डाइंग, आई ऑलवेज डाई कि भाई हाँ गुरु जी का सत्संग है, आई हैव टू गो। गुरु जी तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, हमें उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको कहोगे कि आप उनके पास सामने आके तो खड़े हो, बात करो, एक बार ही उनको देखो, वो सब समझ जाते हैं हमारी बातें। लोग मेडिटेट करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करती, करती हूँ पाठ करती हूँ जाप करती हूँ, पर अगर मुझे को कोई मेडिटेट कर लो नहीं, वो मैं कर ही नहीं पाती, मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो वो गुरुजी को पता ही है, तो इसलिए वो भी मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे लगता है वो साथ ही हैं तो ठीक है, मन में होने चाहिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है दिखावा। गुरुजी इतना आपका काम बनाते हैं, अभी तक 1.5 साल होने वाला है कोविड को, और मेरा कोई ट्यूशन वर्क नहीं था, पर गुरु जी की कृपा से सब अच्छे से चलता रहा, क्योंकि माई हस्बैंड इज ऑल्सो रिटायर्ड, ओनली माई सन इज अर्निंग, पर गुरु जी की इतनी कृपा है कि किसी चीज की उन्होंने इस कोविड में हमें कहीं कमी नहीं आने दी। छवि आंटी के घर इतना ब्लेस सत्संग होता है,
अलका आंटी का भी शुक्राना है जो हमें लेके जाती है हमेशा, विकास अंकल जो हमें बड़े मंदिर भी लेके गए और सत्संग पे भी लेके गए हैं बहुत ज्यादा, उनका भी शुक्राना है। उनको भी जब को कहते हैं हाँ जी आंटी चलो, छवि आंटी का सत्संग होता था तो मेरे अंकल मुझे छोड़ने जाते थे, अलका आंटी पहले चली जाती थी मैं बाद में जाती थी, क्योंकि अलका आंटी करती हैं दरबार सेवा गुरु जी की, तो वो पहले जाती हैं मैं बाद में जाती हूँ। तो वो कहते हैं मैं ये विकास अंकल मेरे अंकल के साथ वॉक करते थे, तो एक दिन मुझे कहते मुझे भी ले चलो ना आप छवि आंटी के घर सत्संग पे। अब मैंने कहा चलो छवि आंटी से पूछा जाए, छवि आंटी कि भाई विकास अंकल आना चाहते हैं। छवि आंटी कहती है हाँ हाँ ले आओ कोई नहीं, गुरु जी का ही तो सत्संग है, जबकि तब कोविड टाइम चल रहा था, पर छवि आंटी ने कहा ले आओ। तो विकास अंकल भी जाने लग गए और साथ में मीनू आंटी, मैं, मेरे अंकल भी चले जाते हैं बीच में जब उनका मूड होता है। तो धीरे धीरे सब कनेक्ट हो रहे हैं गुरु जी के साथ। उनको आप ये नहीं बोलो कि हमें कुछ दें, आप उनको बोलो शुक्राना है जो आपने दिया, हम उनकी रजा में रहे। अगर वो हमारी बानी फड़ते तो हम रुल जाते, ये आप सब जानते हो। गुरु जी को बस ये अरदास करो कि गुरु जी ये कोविड टाइम आया है, चाहे आपकी कोई संगत है चाहे नहीं है, आप सबको ब्लेस करो, आप ही हमारे माता पिता हो। और हम जहां देखते हैं गुरु जी नजर आते हैं, हम सड़क पे जाते हैं, मैं स्पेशली, हो सकता है सारी संगत करती होगी, जब हमें गुरु जी की कोई गाड़ी नहीं दिखती ना तो मुझे लगता है कि हाय आज गुरु जी नहीं दिखे हमें। और आप मानोगे अभी मैं इतना कहती हूं तो सामने गुरु जी की गाड़ी जा रही होती है, वो हमें मतलब हर हमारे साथ होते हैं हमेशा, कभी इधर उधर नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, वो आपके साथ है। मेरे घर में फर्स्ट रूम में मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है बड़ा, और वहां से बाहर की खिड़की नजर आती है। मेरे अंकल कहते हैं दूसरी साइड स्वरूप रख देते हैं, तो मैंने कहा नहीं, यहां से गुरु जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, आते जाते हमें दिखते हैं, इससे बड़ी और क्या चीज होगी हमारे लिए। और गुरु जी, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी बहुत बहुत नहीं, साथ चलो पहले तुम्हारे, घूम के आते हैं, मार्केट जा रहे हैं तो चलो शॉपिंग करके आते हैं, खा पी के आते हैं। तो मैं तो मतलब अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं गुरुजी की शरण में हूँ, और आज गुरुजी ने इतनी बड़ी दात बख्शी जिसके हम लायक भी नहीं है। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, गुरुजी के तो इतने सत्संग हैं, वो जगह जगह हमें ब्लेस करते हैं। आप मानो जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप छोटा अपने पर्स में रखा, उस दिन से आज साढ़े चार साल हो गए हैं, मेरे पर्स में गुरुजी की कृपा से कभी कमी नहीं आई, गुरुजी भर देते हैं अपने आप, उनको पता है इसको इतनी जरूरत है वो उतना कर देते हैं। अभी जैसे मुझे लग रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कि हाँ ट्यूशन आ जाए थोड़ा सा ठीक हो जाए मेरा हाथ भी, ऐसे ही मैंने कहा भी नहीं गुरुजी को, गुरुजी को तो आजकल मैं यही कहती हूँ कि कोई संगत है चाहे नहीं, आप सबको इस टाइम ब्लेस करो, सबका भला करो बस, और जो आप हमें हमारे लिए जो हुक्म है हम वो करें, आपके जो कहोगे वही होगा। तो ऐसे ही मैं अपना बैठी थी, मैंने गुरुजी को भी नहीं बोला, ऐसे मन में सोच रही थी। आप मानोगे संगत जी, उसी दिन पहले रात को एक मैसेज आता है कि मैम आप क्या कहते ट्यूशन करोगे फिजिकल, मैंने कहा मेरे टावर में ही है, मैंने कहा हाँ जी भेज दो। अभी मैंने उसकी ट्यूशन एक दिन स्टार्ट किया, उसकी खत्म किया, उसी टाइम मेरे दूसरे स्टूडेंट का आ जाता है, उसकी मम्मा का, मैम इसको भी करा दो। तो ये गुरुजी की कृपा है ना, गुरुजी ही करते हैं ये सब, मैं कौन हूं, कुछ भी नहीं, जितना शुक्राना करूंगी उतना कम है। दो बच्चे तो मेरे से ऑनलाइन वैसे ही पढ़ रहे थे, ऑनलाइन मैं कभी क्लासेस नहीं लेती थी, पर गुरुजी ने वो करवा दिया। गुरुजी कहते नहीं, मतलब मैं ट्यूशन करके ना बहुत अपने आप को वो ब्लेस फील करती हूँ, और बिजी रहती हूँ, खुश रहती हूँ मैं बच्चों के साथ, हंस भी लेते हैं हम उनके साथ, गुरुजी से गुस्सा भी हो लेती हूँ, आके घर में मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आता है कई बार बहुत, तो मैं आके ना फिर गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, गुरुजी सॉरी माफ करना पर मुझे गुस्सा आ गया था, मैं कुछ कर नहीं सकती अपने ऊपर। तो गुरुजी तो फिर अंतर्यामी है, जानी जहान है, मैं तो जहां भी मतलब गुरुजी के बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं अपनी जिंदगी का सोच सकती और ना सोचूंगी, जो इस हाल में वो रखेंगे खुश हैं।
ऐसे ऐसे काम करते हैं, धीरे चाहे धीरे हो रहा हो पर काम वो जरूर कर देते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। मेरे बेटे की प्लेसमेंट नहीं हुई थी अभी, जब कंपनी जानी शुरू हुई एमबीए में, तो उसने कहा नहीं हुई अभी, नहीं हुई अभी, नहीं हुई। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, मेरे को विश्वास था गुरुजी पे। और वही उसने फिर जब मुझे कहा कि मेरे ना हो गई इस कंपनी में, और मैंने कहा स्टेशन कहते हैं 3 भरने हैं, देखते हैं कहाँ आता। तभी मैंने गुरु जी कहा चलो ठीक है, जो आपको ठीक हो वो करना, नोएडा कर दोगे तो अच्छा है। तो जब उसकी स्टेशन आया तो वो नोएडा ही आया। तो ये भी गुरु जी का शुक्राना है कि वो आज हमारे साथ है इस कोविड में, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमारे साथ रहता है। और अभी जब उसकी जॉब लग गई तो वो मुझे घर में कहता है कि मेरे को न्यू गाड़ी लेनी है, ठीक है ले लो भाई। मैंने कहा ले लो चलो ठीक है देखते हैं। देखो मेरे अंकल कहते नहीं सेकेंड हैंड ले लेते हैं, ऐसे पैसे वेस्ट करने हैं, अभी इतनी वो नहीं है। कहता नहीं, वो जिद पे अड़ गया रोज, नहीं मैंने तो नहीं लेनी है, रोज हमारे घर में यही होना, रोज नहीं लेनी, नहीं लेनी। मैंने फिर एक दिन उसको उसके रूम में जाके कहा, मैंने कहा ऐसे है आराम से शांति से बैठो, अभी तो बुक कराई है ना, जब आएगी तब की तब देखेंगे, इतनी क्या सोचना है अभी से। और मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास था कि वो उसको नई गाड़ी जरूर दिलाएंगे, और वो उन्होंने दिलाई, चाहे उसके बाद कोविड हो गया, वो जितनी चलाए चाहे ना चलाए, पर उसने चलाई, उसकी मतलब पूरी की इच्छा उन्होंने। गुरुजी को मैं तो बस यही कहती हूँ कि गुरुजी आप हमें ब्लेस करते रहो, अपना हाथ ना हटाना हमारे सिर से। गुरुजी कहते तेरे चरणों में अरदास दाता, बनता रहे मेरा विश्वास दाता, शुक्राना मेरे मालिक का है, आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, आप गुरु जी के जब सारी संगत सुनती है यूट्यूब पे उनके सत्संग, और इतने ब्लेस सत्संग होते हैं कि आप लगता है कि गुरु जी आपको कितना ज्यादा कर रहे हैं ब्लेस। हम सत्संग सुन रहे हैं तो हम वी फील ब्लेस्ड कि हाँ गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमें अपनी सत्संग सुनते हैं करते हैं, बहुत बड़ी चीज है। अब तो गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो गुरु जी ये सब ठीक करें और हम सारी संगत बहुत अच्छे से गुरु जी का सत्संग सेलिब्रेट करें। हम तो ईगरली वेट कर रहे हैं, वो हमारी तो नोएडा परिवार है बहुत ही अच्छा है, अलका आंटी, छवि आंटी, मीनू आंटी, विकास अंकल, जसप्रीत अंकल, इन लोग मतलब ऐसे मेरे साथ खड़े हैं ना ये सब, जब मैं कहूँ कभी पीछे नहीं हटे सब। तो ये तो बहुत बड़ा शुक्राना है कि मुझे गुरु परिवार ही इतना अच्छा मिला यहाँ पे। जब मैं वहां पंजाब से नोएडा आई तो मुझे लगा यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं, और गुरु जी ने इतना अच्छा परिवार दिया। उसके बाद तो सत्संग का सिलसिला हो गया, सबको जानने लग गए। अलका आंटी तो एक पूनम आंटी का सत्संग होता है नोएडा में, उनके घर में हर सेकेंड सैटरडे को होता है। अलका आंटी का फोन आ जाता है कि आप चलें, तो मैंने हमेशा कहना हाँ चलो। एक बार ये अलका आंटी US गई थी शायद, तो उनकी मेरे को पता था आज सत्संग है पर अब जाएं कैसे, मैं तो नहीं जा सकती, मैं ड्राइव नहीं करती, तो मैंने कहा अब जाएं कैसे। 3:30 पौने 3 अलका आंटी का फोन आया, नीना आंटी आज सत्संग है चले। मैंने कहा हाँ चलो, कहते लेट हो जाऊंगी थोड़ी, मैं कहा कोई बात नहीं। फटाफट मैं तैयार हुई, अलका आंटी तैयार हुई, हम सत्संग पे पहुंच गए। तो हम सत्संग पे पहुंच गए तो ये गुरु जी ने उस दिन हमें ब्लेसिंग देनी थी। एक बार हम एक और आंटी है, मैं उनका नाम नहीं जानती, वो पूनम आंटी के घर के साथ ही रहती हैं, तो वहां पे गए हम, और हम 3-4 लेडीज मिलके बाहर गुरु जी के स्वरूप के आगे आरती कर रहे थे। वहां पे हमें गुरु जी ने साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। मैंने अलका आंटी को बोला, अलका आंटी गुरु जी के माथे पे देखो, तो गुरु जी ने देखो साईं बाबा जी के रूप में हमें दर्शन दिए। तो उस दिन मैं इतनी ब्लेस्ड कि गुरु जी ने मुझे साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। इससे पहले मैं साईं बाबा मंदिर जाती थी, मैं मानती सब भगवान को, साईं मंदिर में बहुत रेगुलर जाती थी, फिर गुरु जी मिल गए तो अब तो और कुछ नहीं, बस गुरु जी, बड़ा मंदिर, सत्संग और गुरु जी। अब मुझे किसी से कोई वो नहीं है अंदर से, ठीक है गुरु जी खड़े हैं तो ठीक है वो करेंगे ना सब कुछ हमारे लिए,
हम क्यों दूसरे का वो करें, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो, बस गुरु जी हमारे माता पिता इनको बोलो, बोलो भी क्या, वो तो वैसे ही समझ जाते हैं हमारी बात सारी। तो अगर गुरु जी को आप दिल से कहोगे वो आपकी बात सुनते हैं। मैं तो इनके बगैर, मतलब पहले भी मैंने यही कहा, आज भी इनका शुक्राना जितना करूं उतना कम है। आज अगर गुरु जी ने दांत बख्शी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। हम तो गुरु जी को कहते हैं बस अब मेहर कर दो चारों तरफ, सब अपने घर में सुखी रहें, किसी के, अभी हमने बहुत सारा COVID-19 में सुना, बहुत ऐसे ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई हैं कि मतलब क्या बोलूं, दिल दहल जाता है। पर शायद गुरु जी की यही इच्छा थी, पर गुरु जी को आगे हम यही अरदास कर रहे हैं, गुरु जी ये कोरोना ख़त्म कर दो और सबको घर में सबके ब्लेस करो, सब ठीक ठाक रहें, सब खुश रहें, आपकी शरण में हम रहें, बड़े मंदिर खोलो, हम बड़े मंदिर आएं, आपकी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी ने तो घर घर में सत्संग करा दिए कोविड में, जो नहीं भी करते थे वो भी करने लग गए होंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मेरे घर में ही कर लो ना, जरूरी थोड़ी है बड़े मंदिर आना है या सत्संग आना है, तो गुरु जी को याद करो सब ठीक है। ये तो गुरु जी की इच्छा है, सब गुरु जी करवाते हैं हम करते हैं। अब मैं तो मतलब कोई मुझे कुछ कह भी दे ना तो मैं कहती हूँ प्लीज हमारे गुरु जी ऐसे है। और मेरी तो फ्रेंड, एक बार मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मैंने ना मेरे गुरुजी, तो मुझे कहती है तू बाबा के चक्कर इच कितने फै गई है। मैंने कहा उस टाइम पे ना राम रहीम बाबा का चल रहा था, मैंने कहा नहीं हमारे गुरुजी तो नहीं ऐसे, हमारे गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है पर वो वैसे हमारे साथ हैं, ब्लेसिंग्स हैं उनकी। कहती फिर ठीक है, तो मतलब सारी संगत को वो ब्लेस कर रहे हैं कैसे भी करें। तो ये तो गुरुजी का एक शुक्राना ही है, हम जितना करेंगे ऐसे ही गुरुजी हमें ब्लेस करते रहे, हम गुरुजी के सत्संग करते रहे, और जितना शुक्राना अपने मालिक का करेंगे, जिन हर पल हर श्वास से उनका शुक्राना। गुरुजी हमारी उम्मीद नहीं है, यकीन है, यकीन मानो उन पे, पूरा सरेंडर कर दो गुरुजी पे, फिर देखो वो जय। गुरुजी कहते हैं ना जय ऐश कर, वो कराते भी हैं, कराएंगे भी सबको। तो ये गुरुजी की ही इच्छा होती है कि हम सब कर पाते हैं। अगर गुरुजी की इच्छा नहीं है तो हम उनके आगे जोत भी नहीं जला सकते, मत्था भी नहीं टेक सकते, जाप भी नहीं कर सकते। तो प्लीज संगत जी गुरुजी को सरेंडर कर दो टोटली, टेंशन निकाल दो दिमाग से। मैंने तो अब छोड़ दी बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं लेती, जो गुरुजी ने सोचा अच्छा ही सोचा होगा ना, क्या हो गया, अप एंड डाउन तो आने हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस हमने अप एंड डाउन से। अभी छवि आंटी के अंकल एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो मैंने हमेशा छवि आंटी को यही कहना कि छवि आंटी गुरुजी बैठे हैं क्यों टेंशन लेते हो, और मैं सबको कहती हूँ कि घबराओ नहीं, अभी तक गुरुजी ने 1.5 साल हमें संभाला है, तो आगे नहीं संभालेंगे, संभालेंगे क्यों नहीं संभालेंगे, वही तुम्हारे माता पिता है, कोई रिश्ता नहीं है, गुरुजी से रिश्ता जोड़ो वही बहुत है, वही सब कुछ है हमारा, आद भी अंत भी गुरुजी ही है। तो गुरुजी के साथ जुड़ो, जितना शुक्राना करें कम है, हम जहां भी देखते हैं गुरुजी नजर आते हैं, मेरे को तो आते हैं ठीक है, हम मेडिटेट नहीं करते, वो गुरुजी की इच्छा है, वो करवा देंगे धीरे धीरे। हाँ पर एक अंदर से मेरा बहुत मन होता है कि मैं मेडिटेट करूं, पूरा ध्यान लगा दूं, पर शायद नहीं हो रहा, अब कोई बात नहीं, वो भी हो जाए, धीरे धीरे कराएंगे गुरु जी। मैं अंशमा आंटी, अलका आंटी, छविया आंटी, विकास अंकल, मीनू आंटी, जसप्रीत अंकल, इन सबका और गुरुजी परिवार नोएडा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अंजलि आंटी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने आज मुझे 2 दिन पहले फोन किया कि आप सत्संग करोगे आंटी रात को, मैंने कहा ठीक है, अलका आंटी ने मेरा नाम दिया था उन्हें, मैंने कहा हाँ जी कर लूंगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद कर पाऊंगी क्योंकि कभी मैं लाइव आई नहीं थी, पर आज गुरुजी ने शायद वो भी करवाना था, करवाया, शुक्राना है गुरुजी का। अंजलि आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया गुरुजी दी मोजा। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और शुक्राना करते हैं गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंशु आंटी का भी बहुत शुक्राना है जिन्होंने गुरु जी से मेरे को मिलवाया। हम राजिंदर नगर में भी सत्संग करते थे, उनके जाती थी जहाँ सत्संग होता था, वो मुझे जरूर साथ लेके जाते थे। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है, उन आंटी का भी शुक्राना मेरे मालिक का जिन्होंने ये दाद बख्शी। हमारी भूल चूक माफ करना गुरु जी, जो हमसे होती है अभी सत्संग सुनाते वक्त, आपका करते वक्त जो हुई उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। भूल चूक माफ करो, अपने चरणी लगाए रखना गुरु जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, सबको ब्लेस करो, सर्वदा भला करो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।